एक्चुअली आज क्या है कि आज हम लोग तीन प्रोडक्ट्स कवर करेंगे, सॉरी दो प्रोडक्ट कवर करेंगे, वाटर प्यूरिफायर और वाटर पिचर। और हम लोग आज खास करके सर्विस के बारे में भी बताएंगे कि सर्विस किस तरीके से होगी, सर्विस के लिए क्या क्या प्रोसीड्योर रहेगा, वो चीजें भी हम लोग कवर करेंगे आज। सो एक बार एनोटेशन हमने बंद कर दिया है और चैट बॉक्स भी बंद कर दिया है, फॉर सिक्योरिटी रीजंस हम लोग कुछ चीजें करते हैं, सो प्लीज डोंट माइंड। और क्योंकि कई बार हमने देखा है कि कुछ अनवांटेड लोग आके हमारे सेशन को डिस्टर्ब करते हैं, सो हम लोग ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि जो सीरियस लोग हैं, आप टाइम दे रहे हैं, आप प्रॉपरली इसको सुनिए। सो मैं जस्ट एक बार चेक कर लेता हूँ। यस, होस्ट ऑन लिख दिया हुआ, ठीक। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज वैसे तो हम वाटर प्यूरिफायर की बात करेंगे और वाटर पिचर की बात करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले थोड़ा सा इम्यूनिटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए या स्ट्रांग रखने के लिए, मैं ये वाले शब्द का इस्तेमाल करूंगा, स्ट्रांग मेंटेन करने के लिए वाटर प्यूरिफायर या क्लीन वाटर किस तरीके की भूमिका निभाती है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर इन मैनेजिंग आवर इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आप थोड़ा सा इसको प्रेजेंटेशन का जो ड्यूरेशन होगा वो लगभग 35 से 40 मिनट का होगा, एंड उसके बाद हम आपके क्वेश्चंस लेंगे। सबसे पहले आई वांट टू टेल यू के ये जो है हमारी जो लाइफ है वो पांच तत्व से बना हुआ है, पंचभूत जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। उनमें से तीन चीजें जो है फूड एयर एंड वाटर, इसका हम डेली ट्रांजेक्शन करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ एवरीडे। ये जो तीन फंडामेंटल चीजें हैं इसके बगैर हमारी लाइफ चल नहीं सकती, कोई भी इसमें से एक चीज मिसिंग हो जाए सो इट कैन क्रिएट हैवॉक इनसाइड आवर बॉडी। थोड़े समय तक आप खाना बंद कर सकते हैं, थोड़े समय तक आप पानी पीना रोक सकते हैं, बट दे आर ऑल वाइटल फॉर आवर लिविंग, राइट। बाकी जो दो है पंचभूत में से, जो पृथ्वी और आकाश, उसके लिए साधना करना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारे चीजें चाहिए, वो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज इन पर्टिकुलर हम साफ पानी और वाटर, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको इम्यूनिटी और टॉक्सिन, जो इम्यूनिटी और इम्प्यूरिटीज, इम्यूनिटी और पोल्यूटेड, इन दोनों का रिलेशनशिप बताता हूँ। हमारे जो शरीर का जो इम्यूनिटी है, आपको पता है कि इम्यूनिटी एक हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। सो आप एक अगर एग्जाम्पल के तौर पे लें, मान लीजिए कि इम्यूनिटी एक बैटरी बैंक की तरह है या पावर बैंक, जो हम मोबाइल वगैरह को चार्ज करने के लिए अलग से एक पावर बैंक साथ में रखते हैं। सो उस पावर बैंक की तरह आप इम्यूनिटी को समझें। अगर आप उसमें से एक डिवाइस कनेक्ट करते हैं, मान लीजिए सिर्फ एक चीज कनेक्ट करते हैं चार्ज करने के लिए, तो वो पावर बैंक लंबे समय तक आपका काम करेगा। लेकिन अगर आप मल्टीपल डिवाइस पावर बैंक के साथ कनेक्ट करते हैं, तो पावर बैंक के जो चार्जेस है, पावर बैंक का जो कैपेसिटी है, वो धीरे धीरे घट जाएगा और जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। हमारी इम्यूनिटी भी कुछ हद तक इसी तरीके से काम करता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितना ज्यादा इम्प्यूरिटीज, चाहे आप टॉक्सिन्स कह सकते हैं, उतने ही हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मेहनत करना पड़ेगा उन चीजों को रोकने के लिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि कई सारी ऐसी टॉक्सिन्स होते हैं, खास करके जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, वो हमारी इम्यूनिटी डिटेक्ट ही नहीं कर पाती, ये और ज्यादा डेंजरस है। सो पानी और उसके इम्प्यूरिटीज को निकालना पानी में से, ये बहुत अहम बन जाता है। सो आई होप मैं आपको इम्यूनिटी का मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझा पाया।
कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग मेंटेन करने के लिए टॉक्सिन्स का हमारे शरीर के अंदर से कम करना बहुत जरूरी है। हम लोग खाना जो खाते हैं उसको साफ सफाई करके अच्छे तरीके से कुकिंग करके खाना खाते हैं, पानी भी हम पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि अच्छी क्वालिटी का मिले। हवा की बात आज हम नहीं करेंगे तो क्योंकि आज हम एयर की टॉपिक नहीं छेड़ेंगे, उसको अलग से किसी दिन और कवर करेंगे। बट जिस तरीके की पानी हमें अभी मिलता है, मुझे आपको बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज की डेट में जितने भी मार्केट में वाटर प्योरीफायर है, क्योंकि ऐसा कोई इंडिया में घर नहीं है, एवरीबडी इज कॉन्शियस अबाउट वाटर, सो वाटर प्योरीफायर जो मार्केट में मिलते हैं वो इतने कामयाब नहीं है। आपको लगेगा कि मैं किस तरह क्या बात कर रहा हूँ, कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रहा हूँ, बट ये है सच्चाई। मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, बाकी आपके ऊपर है कि आप उसको मानेंगे नहीं मानेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स यू ऑन एनीथिंग, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, ना कि मैं कोई जबरदस्ती करूंगा। मैं बस आपको आज की डेट में जो वाटर प्योरीफायर मार्केट में अवेलेबल है उसके बारे में जानकारी दूंगा। हो सकता है इस तरीके की वाटर प्योरीफायर का ऑलरेडी आप अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, बट प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानिए। हो सकता है आपने उस समय जो सोच के उस समय आपने जो डिसीजन लिया था वो सही था, बट आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जिससे कि आपको मालूम चलेगा, नंबर वन मार्केट के प्योरीफायर की कमजोरी क्या है, और नंबर टू हमारे प्योरीफायर की स्ट्रेंथ क्या है। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मार्केट के दो कमजोरी के बारे में आपको बताएंगे, दो बहुत बड़ी कमजोरी मेरे हिसाब से, बाकी आप समझने के आप सुनने के बाद ये डिसाइड करिएगा कि ये कमजोरी मार्केट की है या नहीं। सबसे पहली चीज, आप मार्केट के जो भी प्योरीफायर उठा के देखेंगे, कोई भी चीज शार्प के अलावा, चाहे जो भी मार्केट में वाटर प्योरीफायर आज के डेट में बिकता है, ये मेरा ओपन चैलेंज है, ये यहां से एक तरफ से पानी को डाला जाता है और ये सारे के सारे फिल्टर को पार करके, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, चाहे चार फिल्टर हो, पांच फिल्टर हो, छह सात, चाहे फिल्टर जितने भी हो, ये पूरी की पूरी फिल्टरेशन सिस्टम को पार करने के बाद पानी यहाँ तक पहुंचता है। आप मेरे कर्सर को फॉलो करिए, जब यह पानी पहुंचता है सो ये जो फिल्टर्ड वाटर है, मान लेते हैं कि इसकी इसकी जो क्लीनिंग एफिशिएंसी है वो 97% है। ये पानी जब टैंक में स्टोर होता है, चाहे टैंक कॉपर का हो, चाहे स्टील का हो, चाहे प्लास्टिक का हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन 97% फिल्टर्ड वाटर जब टैंक में स्टोर होता है, उसके बाद जब हम नलके से पानी पीते हैं या निकालते हैं पीने के लिए, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो प्योरिफिकेशन लेवल है, क्या ये सेम लेवल यहाँ पे मेंटेन कर पाता है? आप खुद सोच लीजिए, ये कभी भी नहीं कर सकता, बिकॉज जो इम्प्यूरिटीज रह जाएंगे पानी के अंदर, मान लीजिए 1%, 2%, 3%, चाहे जितने भी इम्प्यूरिटीज फिल्टर करने के बाद रह जाते हैं, वो टैंक के अंदर एक्यूमुलेट होगा, और जैसे जैसे वाटर प्योरीफायर पुराने होते जाएंगे, वैसे वैसे ये ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेशन टैंक के अंदर होते रहेंगे, और ये जो पानी की क्वालिटी है ये धीरे धीरे गिरता रहेगा। और ये चीज जो है ना, ये कोई आपको नहीं बताएगा, कोई भी इस टॉपिक को लेके डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इस टॉपिक को छुपाने के लिए कुछ लोग कॉपर और स्टील टैंक की बात करते हैं, ताकि उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा छुपाया जाए और लोगों को मिसगाइड किया जाए। बट आपको आई होप अब ये सुन के आपको पता चल चुका होगा कि ये बेसिक जो चीजें है वाटर प्योरीफायर की, जो बेसिक चीज है पानी की सफाई, आप खुद सोच लीजिए क्या मार्केट के वाटर प्योरीफायर ये चीज कर सकता है, नहीं कर सकता। आप ये सोच लीजिए कि आपके लिए ये जो कमजोरी है, ये कमजोरी कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरी कमजोरी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि TDS क्या होता है, RO टेक्नोलॉजी, रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी क्या काम करता है, कैसे काम करता है, और पानी के अंदर की मिनरल, ये तीन चीज क्या है और इनके आपस में रिलेशनशिप क्या है। TDS का मतलब होता है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। पानी के अंदर कई तरीके के डिसॉल्व्ड सॉलिड्स होते हैं, खास करके मिनरल और इम्प्यूरिटीज, ये पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं, इसलिए इसका नाम दिया जाता है डिसॉल्व्ड सॉलिड्स।
और टीडीएस को मेजर करने के लिए मार्केट में आपको मीटर मिलते हैं, जैसे कि आप देखेंगे जो मीटर अवेलेबल होते हैं 250-300 रुपए में आराम से आपको कई तरीके के मीटर मिल जाएंगे। सो ये जो टीडीएस मीटर है, अनफॉर्चुनेटली टीडीएस मीटर ये टोटल डिसॉल्व सॉलिड बताता है, टोटल मतलब मिनरल प्लस इम्प्यूरिटीज का टोटल बताता है। टीडीएस मीटर कभी भी हमें ये नहीं बताएगा कि मान लीजिए 1000 TDS है, उसके अंदर मिनरल कितने परसेंट है और इम्प्यूरिटी कितने परसेंट है, ये नहीं बता सकता हमारा टीडीएस मीटर, कोई भी टीडीएस मीटर ये नहीं बता सकता। अब हम बात करते हैं इम्प्यूरिटीज की, कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि जो पानी हम हमारे घर में आता है, चाहे वो कॉरपोरेशन का हो, चाहे वो हमारे क्या बोलते हैं सबमर्सिबल का हो, चाहे वो कुएं का हो, चाहे बोरिंग का, चाहे सोर्स कोई भी हो, पानी की जो इम्प्यूरिटीज के परसेंटेज है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए जहां पे आप रहते हैं, जिस भी जगह आप रहते हैं, अनलेस अदरवाइज पानी की क्वालिटी सोर्स बदल गए हो, आप देखेंगे कि टीडीएस लेवल जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मतलब अगर 5-6 साल पहले अगर आपके घर के आसपास या आप जो पानी आपके पास आता था, अगर वो पहले 500 TDS का, हो सकता है 5-6 साल में वो जाके 500, 700 या 1000 तक पहुंच गया। इसका मतलब पानी के अंदर इम्प्यूरिटीज की परसेंटेज बढ़ गई। और ये जो खास करके इम्प्यूरिटीज है जिसके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे के सारे कार्सिनोजेनिक है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले इम्यूनिटी के बारे में बताया था, हमारी इम्यूनिटी जो है कई तरीके के इम्प्योरिटीज को तो डिटेक्ट ही नहीं कर पाता, पता ही नहीं चलता कि वो शरीर के अंदर आ चुका है। उनमें से यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे नाइट्रेट है, फ्लोराइड है, आर्सेनिक है, ये इसके लिए हमारे बॉडी के अंदर कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो इन इम्प्योरिटीज का निकालना बहुत जरूरी है पानी के अंदर से। अगर ये इम्प्योरिटीज पानी के अंदर रह जाएंगी तो ये कार्सिनोजेनिक है, ये हमारे शरीर को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन इम्प्योरिटीज को साफ करें। और मार्केट में जितने भी फिल्टर्स अवेलेबल है, चाहे कोई भी हो, आरओ मेम्ब्रेन के अलावा कोई भी ऐसा फिल्टर नहीं है जो इन इम्प्योरिटीज को पूरे तरीके से निकाल सके, मतलब एटलीस्ट एक सेफ लेवल तक निकाल सके, राइट। सो अब मैं आपको दूसरे मार्केट के वाटर प्योरिफायर के जो कमजोरी है वो बताता हूँ। अब ये आरओ टेक्नोलॉजी से जब आप फिल्टर करते हैं, जाहिर सी बात है कि उसके अंदर इम्प्यूरिटीज के साथ साथ मिनरल्स भी पानी से निकल जाते हैं। मिनरल और इम्प्यूरिटी जब निकल जाते हैं आरओ टेक्नोलॉजी से, तो मार्केट के जो प्योरिफायर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे वाटर प्योरिफायर इस तरीके के डिजाइन देते हैं, बट आप ये समझ सकते हैं कि 80-90% जो आरओ वाटर प्योरिफायर मार्केट में बिकते हैं सारे के सारे इसी तरीके से ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि पानी को बाईपास किया जाता है, पानी को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक हिस्सा आरओ की तरफ जाता है और दूसरा हिस्सा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की तरफ जाता है। ये आरओ वाला हिस्सा जो है साफ रहेगा, लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला हिस्से में पानी जो है पार्शियली क्लीन होगा, यह पूरे तरीके से क्लीन कर नहीं सकता, जैसे कि मैंने आपसे कहा थोड़ी देर पहले। सो ये लोग कहते हैं कि देखो पानी के अंदर मिनरल हम दे रहे हैं आपको, और मिनरल कैसे दे रहे हैं कि साफ पानी के साथ पार्शियली साफ पानी को मिक्स किया जाता है, जिसमें टीडीएस को एडजस्ट करके मिनरल के लालच में इम्प्यूरिटीज वाला पानी को ऐड करके टीडीएस बढ़ा दिया जाता है, मान लीजिए 100 TDS पे, 120 TDS पे, और हमें ये कहा जाता है कि देखो हम आपको जो पानी दे रहे हैं वो उसके अंदर मिनरल है। यही क्लेम करते हैं ना मार्केट के अवेलेबल वाटर प्योरिफायर। अब आप ये सोचिए कि मान लीजिए 100 TDS या 120 TDS का पानी हम पीते हैं, हमें ये कैसे मालूम चलेगा, क्योंकि टीडीएस मीटर हमें ये तो नहीं बताएगा कि उसके अंदर मिनरल है भी कि नहीं। टीडीएस मीटर हमें ये भी नहीं बताएगा कि इम्प्यूरिटीज उसमें से निकले हैं कि नहीं, तो हम एक अनसर्टेनिटी में रहेंगे, चाहे 100 TDS हो, 120 TDS हो। ये जो टीडीएस एडजस्टमेंट वाला सिस्टम है, ये एडजस्टमेंट वाला सिस्टम इम्प्यूरिटीज वाला पानी को ऐड करके हमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं। सो ये है सच्चाई। ज्यादातर जो मार्केट के वाटर प्योरिफायर, मैंने आपको दो कमजोरी बताया, ये वाला जो कमजोरी है, जो टैंक वाला कमजोरी, बिफोर टैंक फिल्ट्रेशन, बिफोर टैंक
क्वालिटी ऑफ वाटर आफ्टर द टैंक, ये दोनों में डिफरेंस रहेगा 100% में, शार्क के अलावा बाकी मार्केट में जितने भी है सब में ये कमजोरी रहेगी। दूसरा जो ये टीडीएस मिक्स कर, मतलब टीडीएस बढ़ा के पानी को मिक्स करने का जो सिस्टम है, ये 70-80% लगभग आरओ प्योरीफायर में ये होते हैं, बाकी 15-20% में वो कुछ और तरीका इस्तेमाल करते हैं, वो भी केमिकल ही होता है, मतलब उसमें मिनरल्स जो ऐड करते हैं वो सिंथेटिक मिनरल्स ऐड करते हैं, वो भी हमारे शरीर के लिए इतना ज्यादा ठीक नहीं रहता। सो ये है सच्चाई मार्केट के वाटर प्योरीफायर की। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया। अब मैं आपको बताता हूँ हमारे वाटर प्योरीफायर के क्या खास चीजें हैं। तीन बेनिफिट जो आपको शार्क वेस्टीज वाटर प्योरीफायर देता है, मार्केट में ये जो बेनिफिट है ये आपको कोई भी नहीं दे सकता, इम्पॉसिबल, कोई इस तरीके का बेनिफिट आपको नहीं दे सकता। नंबर वन, क्वालिटी एंड प्योरिटी। आपको लगेगा कि मैं क्या मजाक कर रहा हूँ, मैं किस तरीके की बातें कर रहा हूँ। यस, मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि हमारे प्योरीफायर में अगर हम कह रहे हैं कि क्वालिटी और प्योरिटी, ये किस तरीके से, और प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको। दूसरा, पेस्ट। पेस्ट के लिए मेरे पास तो कोई रिजल्ट्स नहीं है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जो भी वाटर प्योरीफायर शार्क का लगाते हैं, जहां भी लगे हुए हैं, हर कोई यही कहते हैं कि जो पानी की क्वालिटी है वो अच्छी है, उसका जो टेस्ट है, मतलब स्वाद जो है वो हल्का है, पी के अच्छा लगता है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी चीज किसी भी वाटर प्योरीफायर में, कि कंसिस्टेंट क्वालिटी, मतलब पानी को प्योरीफाई करे और लगातार करते रहे, ये सबसे जरूरी चीज है। आप देखिए जो मार्केट के वाटर प्योरीफायर है, क्वालिटी की तो छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, आपको पता चल चुका होगा कि अगर टीडीएस एडजस्टमेंट होता है और अगर पानी इस तरीके से टैंक में स्टोर किया जाता है तो क्वालिटी तो हो ही नहीं सकती। टेस्ट का तो पता नहीं, हम कंपैरिजन करेंगे नहीं, लेकिन कंसिस्टेंसी ये सबसे जरूरी चीज है। आप घर में वाटर प्योरीफायर परचेज क्यों करते हैं, आप बताइए। हम लोग घर में ताकि हमें पानी की क्वालिटी बेहतर मिले और लगातार एक जैसे क्वालिटी मिलती रहे। और मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मार्केट में कोई भी ऐसा वाटर प्योरीफायर नहीं है जो एक ही तरीके के पानी की क्वालिटी को मेंटेन कर सकता है, लेकिन शार्क के पास जो टेक्नोलॉजी है, अब मैं आपको बताता हूं कि क्वालिटी, टेस्ट और कंसिस्टेंसी, ये तीन चीजें हम किस तरीके से हम अपने वाटर प्योरीफायर में इंश्योर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि जो फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड फिल्टर है। इसमें आप देख सकते हैं ये तीन फिल्टर, पीपीसीबी और आरओ मेम्ब्रेन, ये तीनों फिल्टर ऐसी डिजाइन किए गए हैं, इस तरीके की ड्यूरेबल क्वालिटी है इसकी, कि जब तक पानी की क्वालिटी मेंटेन रहेगी, जब तक पानी प्यूरिफिकेशन करता रहेगा तब तक सही है, लेकिन जब उसको लगेगा कि पानी की क्वालिटी खराब होने वाला है तो फिल्टर को ब्लॉक किया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। अब आप ये सोचिए कि आपने वाटर प्योरीफायर लगाया और 5-6 महीने में पहला फिल्टर या दूसरा फिल्टर ब्लॉक हो गया, आपको लगेगा अरे क्या हो रहा है, ये मैंने इतना महंगा प्रोडक्ट लिया और ये 6 महीने में फिल्टर चोक हो गया, बंद हो गया, मशीन काम नहीं कर रहा है। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी बेनिफिट है। आप खुद सोचिए कि मशीन बंद किया, मशीन फिल्टर को रोक दिया, तो ऐसा क्यों किया? ये स्मार्ट वाटर प्योरीफायर है, इंटेलिजेंट डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ये क्यों किया ऐसा? बिकॉज हम लोग ये नहीं चाहते कि पानी की क्वालिटी में किसी भी तरीके के कॉम्प्रोमाइज हो, क्योंकि वेस्टीज एक परिवार है, वेस्टीज एक फैमिली है, हम अपने परिवार को जानबूझ के जहरीला पानी कैसे पिला सकते हैं। सो ये है हमारे सबसे बड़ा ताकत कि हमने जो फिल्टर्स इस्तेमाल किए हैं बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, सुपीरियर टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी है, जिससे पानी की क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है और बेहतरीन तरीके से मेंटेन किया जाता है। ये है हमारे डिजिटल टेक्नोलॉजी। साथ में आप ये देख सकते हैं AF डिसरप्टर का इस्तेमाल किया गया है, ये एक बहुत यूनिक बेनिफिट हमें देता है। आप देखेंगे कि टैंक और नलके के बीच में हमने डिसरप्टर दिया है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि जो फिल्टर होने के बाद पानी टैंक में जाता है और यहाँ से पानी हम पीते हैं, लेकिन हमने क्या किया, हमने टैंक और नल के बीच में डिसरप्टर टेक्नोलॉजी दे दिया, जिसके कारण क्या होगा कि एक तो ये तीनों फिल्टर क्वालिटी और प्योरिटी के साथ साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, लेकिन
डिसरप्टर के होने से और ये इंश्योर किया जाता है कि पानी की क्वालिटी थोड़ा बहुत अगर इंप्यूरिटीज है उसको निकाल सके। पानी का टेस्ट बढ़ाने के लिए डिसरप्टर एक बेहतर काम करता है, बहुत खास काम डिसरप्टर का होता है एज फार एज पानी का टेस्ट इज कंसर्न, और थर्ड कंसिस्टेंट क्वालिटी को मेंटेन करता है। सो ये है हमारे चारों फिल्टर, बहुत ही यूनिक फिल्टर है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन ऑफ फिल्टर आपको मार्केट में किसी भी वाटर प्योरिफायर में नहीं मिलेगा। हो सकता है जो जो जिस क्वालिटी का आरओ हम दे रहे हो सकता है आपको उस तरीके का आरओ मिले आपको मार्केट में, लेकिन वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स 35-40 हज़ार के ऊपर है। मतलब जिस तरीके के, वैसे तो ये सिस्टम आपको किसी भी इंडिया के प्योरिफायर में नहीं मिलेगा, चाहे महंगे से महंगा प्योरिफायर क्यों ना हो, राइट। तो हो सकता है उनमें कुछ फिल्टर्स हम जैसे हैं, लेकिन डिसरप्टर नहीं मिलेगा आपको। और ये जो लास्ट माइल प्योरिफिकेशन क्वालिटी मेंटेन करने का जो सिस्टम है, ये भी आपको किसी भी वाटर प्योरिफायर में नहीं मिलेगा। सो अब हम आपको ये तीनों फिल्टर, ये देख सकते हैं आप चारों फिल्टर अलग अलग, हम खास करके जो आरओ मेम्ब्रेन इस्तेमाल करते हैं वो डाउ कंपनी का है, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन आरओ मेम्ब्रेन बनाने वाली कंपनी है। और ये भी जैसे पीपी फिल्टर को पॉलीप्रोपिलीन कहा जाता है, जो कि बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है, ये कभी भी जितना इम्प्यूरिटीज को रोकना है उतने ही इम्प्यूरिटीज को रोक देगा, कभी भी उससे बड़े इम्प्यूरिटीज को, बड़े साइज के इम्प्यूरिटीज को जाने नहीं देता है, ये इसकी खास बात। और जो कार्बन ब्लॉक फिल्टर है उसकी खास बात ये है कि ये टूट जाता है जब इसकी एफिशिएंसी खराब होने लगती है ना, जब इसको लगता है कि अब कार्बन की क्वालिटी खराब हो रही है तो ये क्रैक कर जाता है, टूट जाता है। सो इतना देखिए आप कितना बेहतरीन सिस्टम हमने दिया ताकि पानी की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सके। और डिसरप्टर तो है ही है, डिसरप्टर टेक्नोलॉजी थोड़ा इम्प्यूरिटीज को कम कर देता है और खास करके टेस्ट को बढ़ाता है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में मदद करता है। ये चारों फिल्टर है, आपने फ्रंट कवर तो देख ही लिया था शुरुआत में, हाँ। और ये जो है अपना क्या बोलते हैं इनसाइड ऑफ द वाटर प्योरिफायर, ये चारों फिल्टर है। अब हम आपको प्रूफ दिखाते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमारे जो पानी की क्वालिटी है वो आपको हाईएस्ट लेवल की क्वालिटी मिलेगी। जो हमने टीयूवी एक ऐसी संस्था है जो बड़े बड़े कंपनीज को आईएसओ सर्टिफिकेट देते हैं, उस कंपनी से हमने अपने वाटर प्योरिफायर को टेस्ट कराया, और उन्होंने टेस्ट करके ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटलेट वाटर का मतलब है जो पानी प्योरिफाई होके निकल रहा है उस पानी को किस लेवल तक प्योरिफाई कर सकता है, आप देखिए जरा। ये जैसे आप देख सकते हैं आर्सेनिक है, लेड है, मरकरी है, यहाँ पे BLQ और LOQ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। LOQ का मतलब है लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, मतलब लैब में जो इंस्ट्रूमेंट है वो कहाँ तक मेजर कर सकता है, और BLQ का मतलब है बिलो द लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, मतलब कि लैब का जो इंस्ट्रूमेंट है उससे भी नीचे, मतलब किसी भी इम्प्यूरिटीज का नामो निशान नहीं मिलेगा आपको, मतलब लैब का इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है कि उसमें पानी के अंदर इम्प्यूरिटीज है कि नहीं है। सो ये है हमारे हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी जो पानी हम देते हैं आपको। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले जैसे कहा था कि पानी के अंदर पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स जो होते हैं, कई तरीके के ऐसे केमिकल्स है जो हमारी इम्यूनिटी समझ ही नहीं पाता, इम्यूनिटी डिटेक्ट ही नहीं कर पाता उसको। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कई सारे केमिकल्स जो कार्सिनोजेनिक है, बहुत ज्यादा डेंजरस है, और खास करके हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो डिटेक्ट नहीं कर पाते उन चीजों को ये नॉट डिटेक्टेड दिखा रहा है। आप देखिए सारे के सारे नॉट डिटेक्टेड, ये है हमारे प्योरिफिकेशन की क्वालिटी, हाँ। सो अब देखिए जो माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन है, जैसे ई कोलाई है, प्रोटोजोआ है, उसमें भी आपको 99.9999% की एफिशिएंसी मिलती है। मतलब केमिकल इम्प्यूरिटीज के साथ साथ जो बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज है जैसे, उसको भी पूरे तरीके से निकाल दिया जाता है। ये है हमारे प्योरिफायर की क्वालिटी। लेकिन आपके मन में एक सवाल आएगा अभी, ये सवाल बिल्कुल जाहिर है, जाहिर सी बात है ये सवाल आएगा, क्योंकि हम लोग अगर 100% पानी आरओ से निकाल देते हैं और पूरे तरीके से पानी को फिल्टर आउट कर देते हैं, उस केस में
मिनरल तो नहीं रहेगा, बिल्कुल आपने सही कहा। तो शार्प और वेस्टिज की जो स्ट्रेटेजी है वाटर प्यूरिफायर की, उसमें पानी की क्वालिटी आपको बेहतरीन मिलेगा, जो बॉडी में बेहतर तरीके से अब्सॉर्ब होगा, किसी भी तरीके की इम्प्यूरिटीज पानी के जरिए हमारे शरीर में नहीं जाएगा, ये गारंटी है। अब जो मिनरल की बात, मिनरल जो पानी के अंदर नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं ये बहुत बेसिक मिनरल्स है जो पानी में पाए जाते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, बहुत ही बेसिक मिनरल्स है। सो ये जो मिनरल्स है ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पानी से ही आए। मार्केट में जो दूसरे ब्रांड के वाटर प्यूरिफायर है, जो आपको टीडीएस कंट्रोल, टीडीएस एडजस्टमेंट, कितना टीडीएस, ये सब सवाल करते हैं, ये इतनी क्लैरिटी के साथ आपको नहीं बताएंगे, ये चीजें नहीं बताएंगे कि हम दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं। वैसे भी अगर 3 से 4 लीटर पानी पिएंगे, ये मिनरल अगर पानी में रहेगा भी तो हमारे शरीर के लिए वो परिपूर्ण मात्रा में अवेलेबल नहीं होते। तो पानी इकलौता सोर्स नहीं है। हम दिन भर में जो खाना खाते हैं, जो दूध पीते हैं, या जो भी खाना पीना करते हैं पानी के अलावा, वो एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारे मिनरल्स का, प्रोटीन्स का और विटामिन्स का। अगर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल खाने से नहीं प्राप्त होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सप्लीमेंट्स लेते हैं। जो सप्लीमेंट्स हम लेते हैं उसमें प्रोटीन, विटामिन के साथ साथ मिनरल्स भी होते हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, बहुत आराम से हमें शरीर के अंदर की पूर्ति हो सकती है। बट अगर पानी के साथ हम इसको लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है आज की डेट में जो इम्प्यूरिटीज को निकाल दे और मिनरल को छोड़ दे, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर आप मिनरल का एक्सपेक्टेशन पानी से करेंगे, उसमें इम्प्यूरिटीज जरूर आएगा, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, लेकिन हमने ऐसा सिस्टम नहीं दिया, चूंकि वेस्टिज एक परिवार है, हम जानबूझ के जहरीला पानी नहीं पिला सकते। तो हमारी स्टोरी ये है कि आपको साफ पानी मिलेगा, बिल्कुल लगातार एक जैसे पानी की क्वालिटी मेंटेन करेंगे हम लोग, जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले, लेकिन मिनरल्स की जो पूर्ति है वो हम सप्लीमेंट्स के जरिए या खाने के जरिए पूरे कर सकते हैं। ये है हमारी स्टोरी वाटर प्यूरिफायर की। अब मैं आपको वाटर प्यूरिफायर को लेके कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं जिक्र करना चाहता हूँ, ऐसे पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूँ जो कि सर्विस और इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है। सो आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ, जब आपके घर में वाटर प्यूरिफायर डिलीवर हो जाता है, राइट, उसके बाद की पूरी जिम्मेदारी शार्प कंपनी की होती है। डिलीवरी होने तक वेस्टिज का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आपके घर में डिलीवर हो गया है, और जहां पे अब इंस्टॉलेशन और सर्विस, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शार्प की है। लेकिन आपको शार्प कंपनी को बताना पड़ेगा कि आपको इंस्टॉलेशन करना है, हमें अपने आप से पता नहीं चलेगा, और हम वॉलंटरीली कॉल नहीं करते, चूंकि कई लोग हमने देखा कि खरीद तो लेते हैं लेकिन या तो किसी और के घर में लगाते हैं, या तो अगर लगाते भी हैं तो वो कुछ दिनों के बाद लगाते हैं, तो हमने वॉलंटरीली कॉल करना बंद कर दिया है। तो आपको अगर इंस्टॉलेशन कराना है या सर्विस की रिक्वेस्ट है, आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, यह 3 तरीका है जिससे आप हमारे कॉल सेंटर में या हमारे सर्विस टीम को अपने इंफॉर्मेशन दर्ज करा सकते हैं, और ये मस्ट है। आप यहाँ पे 3 ऑप्शन में से मिस्ड कॉल नंबर की सुविधा आप ले सकते हैं, चूंकि ये सबसे आसान है। आप अपने मोबाइल नंबर से या लैंडलाइन नंबर से मिस्ड कॉल दे दीजिए। जैसे ही आप मिस्ड कॉल दे देंगे, मिस्ड कॉल देने के 1-2 घंटे के अंदर अंदर आपके पास कॉल बैक आएगा। जब कॉल बैक आएगा तो आप अपने कंप्लेंट या अपने इंस्टॉलेशन की रिक्वेस्ट दर्ज करा सकते हैं। आप उनको बताइए, एड्रेस बताइए, पिन कोड बताइए, टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेट नंबर वगैरह वगैरह सारी चीजें बताइए, और हमारे इंस्टॉलेशन के रिक्वेस्ट दर्ज हो जाएंगे। एक बार आपने एड्रेस वगैरह दे दिया, उसके बाद अगर आप सर्विस के लिए कॉल करेंगे तो आपको सिर्फ अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बताना है, नाम नहीं, या तो सीरियल नंबर बताना है प्रोडक्ट का, दोनों में से कोई एक चीज बता सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि 1 साल की वारंटी होती है जिस दिन से आपकी इंस्टॉलेशन होगी। मान लीजिए आपने जून में वाटर प्यूरिफायर परचेज करते हैं और इंस्टॉलेशन आपको अगस्त में कराना है, तो 1 साल की वारंटी जो होगी वो अगस्त से शुरू होगी। जब भी आप इंस्टॉलेशन कराएंगे, चाहे आप कभी भी खरीदे हो, आपने अगर 2020 में खरीदा है और अभी आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो आज से लेके 1 साल की वारंटी होगी, ठीक है। सो ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सर्विस के लिए और इंस्टॉलेशन के लिए आप शार्प कंपनी को बताना है।
दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अगर मेजर सिटीज और टाउन्स है जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है शहर है तो वहां पे 24 आवर्स में आप सर्विस अवेलेबल कराते हैं। और अगर बाहर की है मतलब जैसे मान लीजिए 50-60 किलोमीटर दूर है हमारे शहर से या विलेज से टाउन से तो उस केस में हम 3 दिन के अंदर मतलब 72 आवर्स के अंदर आपको सर्विस अवेलेबल कराते हैं। ये है हमारा रिस्पांस टाइम। हमारे पास एस्केलेशन मैट्रिक्स है, आपके अगर कॉल इस 3 दिन के अंदर नहीं अटेंड होते तो मैं आपको बताऊंगा कि उस केस में आपको एस्केलेशन कैसे करना है। अब एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीज हमें ध्यान रखना है वाटर प्यूरिफायर को परचेज करने से पहले या इंस्टॉलेशन से पहले, कि ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके छत की टैंक है, जो छत का टैंक है और वहां से जो बेस है टैंक का वहां से वाटर प्यूरिफायर का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए आप यहाँ पे वाटर प्यूरिफायर लगाना चाहते हैं, उसका डिस्टेंस कम से कम 15 फीट होने चाहिए। मतलब वाटर प्यूरिफायर और वाटर प्यूरिफायर और टैंक का जो गैप है वो कम से कम 15 फीट होने चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो अगर सिंगल फ्लोरी बिल्डिंग है तो अगर छत के बिल्कुल ऊपर टैंक लगा हुआ है तो हो सकता है इंस्टॉलेशन कामयाब ना हो, सो उस केस में आपको छत उसके टैंक की हाइट बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। और बहुत अहम और इम्पोर्टेंट एक पॉइंट, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मशीन के बाहर एक प्री फिल्टर लगाने के लिए हम रिकमेंड करते हैं। ये प्री फिल्टर लगाना इसलिए जरूरी है ताकि अंदर के जो 4 फिल्टर है इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस होती रहे, प्रॉपर इसका लाइफ आपको मिलता रहे। जो पानी के अंदर कई बार अचानक मिट्टी आ जाती है ना, तो ये मिट्टी रोक लेता है यहाँ पे प्री फिल्टर। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपने दिसंबर 2020 के बाद अपने वाटर प्यूरिफायर खरीदा है तो ये प्री फिल्टर आपको वेस्टिज और शार्प की तरफ से फ्री दी जा रही है अभी भी, मतलब ये कंटिन्यू है। लेकिन अगर उससे पहले आपने खरीदा है तो उस केस में आपको ये प्री फिल्टर हम रिकमेंड करते हैं कि आप परचेज करके लगाइए। अगर आप परचेज करते हैं तो इसकी 1100 रुपए की कीमत है फर्स्ट टाइम। और ये प्री फिल्टर जो है बाहर वाला जो फिल्टर है इसको हम रिकमेंड करते हैं कि आप रेगुलर इसकी साफ करें, तभी ये फायदेमंद होगा। अगर इसको आप साफ नहीं करेंगे रेगुलर तो ये मिट्टी इसके अंदर जमा होता रहेगा और इसका जो काम है वो नहीं कर पाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो प्री फिल्टर है अगर इस तरीके से है तो इसको आप वॉश करके धो के चलाइए, लेकिन अगर बिल्कुल ऐसे ब्राउन हो जाता है डार्क ब्राउन तो उसके बाद इसको रिप्लेसमेंट करने की जरूरत है। यह है नया फिल्टर जब आप लगाते हैं, ये इस समय आपको रिप्लेस करने की जरूरत है और ऐसी कंडीशन है तो आप साफ करके चलाते रहिए। सो अगर आप अंदर की फिल्टर परचेस करते हैं जो कि आपको खरीदना है टाइम टू टाइम, वो आपको लगभग 300 रुपए यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे 300 रुपए की कीमत पड़ती है। और ये जो फिल्टर और इसके प्री फिल्टर ये हमारे टेक्नीशियन आपको देंगे जो आपके पास इंस्टॉल करने आएगा, लेकिन आप ये इंश्योर करिए कि आपको जो फिल्टर दिया जा रहा है वो शार्प कंपनी के ओरिजिनल फिल्टर है, शार्प कंपनी का अप्रूव्ड ओरिजिनल फिल्टर है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं लोकल वाले लगा देते हैं आपके अनजाने में, वो आप ध्यान रखिएगा कि रिप्लेसमेंट अंदर का फिल्टर और बाहर का ये एक्सटर्नल कैबिनेट, ये दोनों चीजें अगर शार्प कंपनी के अप्रूव्ड होंगे तो वो बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं और रेगुलर आप साफ करते रहेंगे तो आप देखेंगे अंदर के जो फिल्टर्स हैं उनकी लाइफ भी काफी बढ़ जाती है। हमारा प्यूरिफायर आपको 2500 TDS तक आप चला सकते हैं। ये इंडिया में जितने भी वाटर प्यूरिफायर आपको मिलता है मार्केट में वो 1500 के ऊपर काम नहीं करता, लेकिन हमारा प्यूरिफायर आपको 2500 TDS तक बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं। और ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं हमारे वाटर प्यूरिफायर के ये 4 फिल्टर, इसका कौन सा फिल्टर के क्या डिस्क्रिप्शन है, कितनी लाइफ है, कितनी बीवी है, कितनी पीवी है, डीपी क्या है, ये आइटम कोड क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 4 फिल्टर की अलग अलग लाइफ है। ये 4 फिल्टर आपको वेस्टिज से भी मिल सकता है। अगर आप वेस्टिज से परचेस करते हैं तो आप डीपी प्राइस में परचेस करके बीवी पीवी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे टेक्नीशियन से परचेस करते हैं जो आपके घर में रिपेयर करने आ रहा है तो आपको MRP पे देंगे वो, या तो आप अगर डिस्काउंट मांगेंगे थोड़ा सा हो सकता है इस प्राइस पे देंगे, लेकिन आपको उस केस में बीवी पीवी नहीं मिलेगा। हम रिकमेंड करते हैं कि 1 साल के बाद आप
वारंटी एक साल की है, उस दौरान फिल्टर कार्ट्रिजेस आपको वेस्टीज से परचेस करना पड़ता है, फिल्टर कार्ट्रिजेस वारंटी में कवर नहीं होते। जैसे जैसे फिल्टर ब्लॉक होता जाएगा वैसे वैसे आप फिल्टर कार्ट्रिज खरीदते रहे, हो सकता है यहाँ पे 6 महीना लिखा हुआ है, हो सकता है आपके 8 महीना चल जाए, 9 महीने चल जाए, हो सकता है अगर टीडीएस ज्यादा है या इंप्यूरिटी ज्यादा है हो सकता है 4 महीने में बदलने की जरूरत पड़े। जो चाहे जो भी है, आप ये समझ लीजिए कि अगर 4 महीने में भी खराब हो रहा है फिल्टर, इसका मतलब यह है कि पानी के अंदर इंप्यूरिटीज बहुत ज्यादा है और हमारे वाटर प्योरिफायर उसे रोक के इंश्योर कर रहा है कि पानी की क्वालिटी लगातार एक जैसे बनी रहे। सो ये था वाटर प्योरिफायर को लेके जानकारी। अब बस मैं आपसे 2 मिनट का समय लूंगा, पिचर जो हमारा वाटर पिचर है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेंगे और उसके बाद हम लोग आपके क्वेश्चंस लेंगे। ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे, अभी टाइम है हमारे पास, तो ज्यादा से ज्यादा सवाल आपके लेने की कोशिश करेंगे। सो ये देख सकते हैं आप आपके स्क्रीन के ऊपर वाटर पिचर, ये हमारा वाटर प्योरिफायर कैटेगरी में दूसरा प्रोडक्ट है। और पिचर का सबसे खास चीज ये है कि ये पिचर का इस्तेमाल जो है, जहां पे आप मतलब के जो पीने का पानी है, मान लीजिए आपके पास दूसरे वाटर प्योरिफायर लगे हुए दूसरे ब्रांड के, या आप 20 लीटर वाले बॉटल मंगा के पीते हैं, या तो अगर आपके घर में कॉर्पोरेशन का पानी आता है, मैंने आप जैसे बॉम्बे में कई एरियाज ऐसे हैं जहां पे कॉर्पोरेशन की पानी आती है और उस पानी को आप पी सकते हैं, तो उस केस में आप पिचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे ऐसे लोग YouTube में हल्दी वगैरह का डेमो करके डाल रखा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कभी भी आप इस तरीके के डेमोन्स्ट्रेशन मत करिए, इस तरीके के काम मत करिए, क्योंकि ये जो वाटर पिचर है ये सिर्फ और सिर्फ पीने के पानी का टेस्ट और क्वालिटी बढ़ाता है। मैंने आपको अभी वाटर प्योरिफायर के बारे में कहा कि मार्केट के जो वाटर प्योरिफायर है उनकी क्या क्या कमजोरी है, तो आपके घर में अगर दूसरे ब्रांड के वाटर प्योरिफायर है और अभी इमीडिएटली आप परचेज नहीं करना चाहते शार्प का वाटर प्योरिफायर, तो आप अपने घर में पिचर परचेज करके पानी का टेस्ट और क्वालिटी बेहतर कर सकते हैं। और साथ के साथ आप अपने घर में लगाने के साथ आप अपने पड़ोसी, अपने रिलेटिव्स, उनको भी ये चीज के बारे में बता सकते हैं। एटलीस्ट क्या होगा कि उनको पता चल जाएगा कि मार्केट के वाटर प्योरिफायर की क्या कमजोरी है, मार्केट के वाटर प्योरिफायर की आपको टेस्ट और क्वालिटी किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज की जाती है। और ये भी गारंटी आप कर लेंगे कि कम से कम अगली बार जब वो वाटर प्योरिफायर खरीदेंगे तो कम से कम आपसे सलाह करके वो खरीदेंगे। सो प्लीज इसको पीने के पानी में इस्तेमाल करिए। और अगर आपको डेमो दिखाना ही है आप अपने घर में, या डेमो करना है आप अपने घर में, मान लीजिए दूसरे ब्रांड के वाटर प्योरिफायर लगा हुआ है या 20 लीटर वाले पानी के बॉटल मंगा के आप पीते हैं, मैं बिस्लेरी और ब्रांडेड बॉटल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी तो क्वालिटी ठीक ठाक होती है, लेकिन अगर जो लोकल 20 लीटर वाले बॉटल होते हैं उस पानी को आप यहाँ पे डालिए, जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर, आप मेरे कर्सर को फॉलो करिए, यहाँ पे एक लिड है उसको हल्का सा खोल के आप यहाँ पे पानी को डालिए, और यहाँ पे कार्ट्रिज होता है और यहाँ पे फिल्टर होके, इंस्टेंट फिल्ट्रेशन है ये, फिल्टर हो गए ये नीचे आ जाए, आप एक ध्यान रखिएगा कि पानी का जो लेवल है वो इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, यहीं तक पानी को भरिए आप फिल्टर करके, और इस पानी को वापस ग्लास में डाल के आप पी सकते हैं, आपको तुरंत इंस्टेंटली पानी में टेस्ट और क्वालिटी के फर्क नजर आएगा। क्वालिटी का तो इतना पता नहीं आपको महसूस होगा कि नहीं, लेकिन टेस्ट में फर्क महसूस होगा ही होगा। सो इस वाटर पिचर की एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आप ये मान लीजिए कि जितने भी लोग ऐसे हैं जो दूसरे ब्रांड के वाटर प्योरिफायर इस्तेमाल करते हैं, मतलब मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर आप 100 लोगों को अप्रोच करते हैं वाटर पिचर को लेके, और 100 लोगों को अपने वाटर को पिचर की क्वालिटी टेस्ट कर, मतलब पानी का टेस्ट करा के इंस्टेंट आप, मतलब उनके पानी की क्वालिटी जो पीते हैं और इंस्टेंटली फिल्टर करके उनको पिला के अगर आप दिखाते हैं, अगर 100 लोगों को दिखाते हैं, लोग तो ले ही। सो इस पिक्चर को लेके आप बहुत एक बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके सामने इंतजार कर रहा है, और इसका सही तरीके से इस्तेमाल करिए, पीने के पानी में इस्तेमाल करिए, तो इसकी अच्छी रिजल्ट आपको मिलेगी और इसका एफिशिएंसी भी बेहतर होगा, आपको फिल्टर की पूरी लाइफ मिलेगी। इसमें भी हमने
ब्लॉक करने वाला सिस्टम दिया है। तो अगर आप हल्दी डालेंगे, इस तरीके के मिट्टी वाला पानी डालेंगे तो बिल्कुल प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कभी भी मत डालिए। क्योंकि अगर आप हल्दी या मिट्टी वाला पानी इसमें इस्तेमाल करेंगे या नॉन ड्रिंकिंग वाटर इसमें इस्तेमाल करेंगे तो ये कार्ट्रिज जल्दी ब्लॉक हो जाएगा। अगर आप पीने के पानी में इस्तेमाल करेंगे तो ये लगभग 400 से 450 लीटर तक चल सकता है ये पिचर का कार्ट्रिज। और आपको मैंने दिखाया प्राइस अभी थोड़ी देर पहले के हम, ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है पिचर का कार्ट्रिज, आप देख सकते हैं। पिचर का जो कार्ट्रिज है आपको 1050 रुपए का मिलता है वेस्टेज से, और उसमें वीवीपीवी भी मिलता है। ये सारे के सारे फिल्टर कार्ट्रिज सफिशियंट स्टॉक में हमारे पास अवेलेबल है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, आपको स्टॉक की कोई दिक्कत नहीं होगी। बट उम्मीद करता हूं कि आज आपको मैं समझा पाया कि पानी की क्वालिटी किस तरीके से मार्केट के वाटर प्योरिफायर में कॉम्प्रोमाइज की जाती है, गुमराह किए जाते हैं। मैं बहुत ज्यादा बुराई नहीं करना चाहता, मैंने आपको आज सच्चाई बताया कि, और मैंने आपको साथ के साथ ये भी बताया कि हमारे प्योरिफायर की क्या खास बात है। हम यही ओके सो आई होप आपको आज का प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। What makes them to purchase? मतलब कुछ